हनुमान जी महाराज की जय। आज गंगा के पावन तट पर हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में श्री लक्ष्मी महायज्ञ के तत्वधान में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज के सानिध्य में एक भव्य और दिव्य आयोजन रखा गया, जिसमें हमारे अतिथि विशेष में आज जो भारत ने पूरे विश्व में आयुर्वेद को में चार चांद लगाए और जन जन तक जो है आयुर्वेद और कृषि और भी भारत के अंदर जितना हिंदू संस्कृति या हिंदू कल्चर से जुड़ा हुआ कार्य है उसमें चार चांद लगाने का कार्य हमारे आचार्य बालकिशन दास जी महाराज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आए हैं, उनका जो है बहुत बड़ा यहाँ निर्मोही अखाड़े में बहुत बहुत स्वागत। विशेष न कहते हुए हम अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय हमारे आचार्य श्री महाराज का ऐसा कहना कि हमारी दीक्षा शिक्षा वैष्णव संप्रदाय से हुई और वैष्णव संप्रदाय में हमारा आस्था है और हम वही परंपरा को हकीकत में ये भूमि राम और कृष्ण की भूमि है और राम और कृष्ण जो है स्वयं जो है वैष्णव शुद्ध विचारक पूजा पद्धति के सिरमौर हैं। तो आज उसी परंपरा के हमारे सिरमौर ऐसे पतंजलि और पूरा दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने वाले और जन जन तक पहुंचने वाले ऐसे आचार्य, जैसे कि हमारे महाराज श्री ने कहा कि जो है आचार्य जी का जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारे द्वाराचार्य परिवाराचार्य जगत गुरुओं की ऐसी गादी है महाराज जी भारत देश में और उसमें आचार्य बैठे हुए हैं, तो ये तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन कोई किसी का भावना रोक नहीं सकता है। तो जैसे कि हमारे महाराज जी माधवाचार्य जी महाराज जी अभी आचार्य श्री जी से अनुरोध किए कि अगर आप वैष्णव समाज में आके और एक परिवाराचार्य आचार्य गद्दी का जो है अगर आपका अभिषेक होता है तो बहुत खुशी की होगी, तो मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि संत समाज आपका सब है और रहेगा, आगे भी आप जो है ऐसे ही पदार्पण करते रहें, लेकिन हम लोगों की भावना ये कि जो है जुड़े तो जो है अच्छा होगा, आप आए आपका स्वागत और जो है आपकी कृपा पहले से है और ऐसे ही बनी रहे। विशेष न कहते हुए आप सभी के चरणों में बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिला द्वारा गंगाचार्य मंगल प्रभाती सूर्य यज्ञ सम्राट श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी बालकृष्णाचार्य जी महाराज की जय। संत समाज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज हम लोग धन्य हैं, धन्योस्मि कृतो कृतोस्मि, वेद वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, पुराण वाक्य है। आज हम धन्य हैं क्योंकि गंगा तट और हरिद्वार सुवर्णपुरी क्षेत्र और श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ इस त्रिवेणी का आयोजन, इसमें इतना बड़ा संत सम्मेलन विश्व कल्याण के लिए, यज्ञ के ऊपर हेडिंग में विश्व कल्याणार्थ लिखा जाता है, तो ऐसे यज्ञ के आयोजन करके और हमारे विशेष अतिथि आज के श्री बालकृष्णाचार्य हमारे पतंजलि योगपीठ के खुद प्रबुद्ध संत और विश्व के राष्ट्रीय संत हैं, वो हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो, ऐसा हमारे श्री महाराज जी का भाव है और जैसे भी उचित लगे। और यदि ये भारत का सबसे बड़ा संप्रदाय रामानंद संप्रदाय बैरागी, क्योंकि दो संप्रदाय है, शिव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय विशाल है, शिव संप्रदाय उसके बाद उसका नंबर है, तो इस इतना बड़ा संप्रदाय में आप पदार्पण करें, आपको यथा योग्य सम्मान के साथ समाज स्वीकार करे, ऐसी शुभभावना के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि विश्व में जब किसी प्रकार की महामारी फैली थी, सर्वप्रथम जी के द्वारा वह औषधि का निर्माण किया गया था कि जिससे कि उस महामारी का निदान हो सके, ऐसे योगपीठ और हमारे आयुर्वेदिक पीठ के प्रति संपूर्ण भारत में विश्व आज नतमस्तक, हमारी संस्कृति आगे बढ़े, हमारी संस्कृति का ही एक भाग है योग और आयुर्वेद। हमारे विश्व में जिस तरह से महाराज श्री योग की प्रतिष्ठा किया है और भारत नहीं पूरे विश्व में एक दिन योग के लिए 21 जून है हमारा दिन, 21 जून पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और महाराज जी
कि अगर इसी तरह रहेगी तो हम बहुत ही जल्दी वह दिवस जिस दिन पातंजलि दिवस के रूप में भी हम एक दिन चाहेंगे कि पूरे विश्व में मनाया जाए और हम अपने इस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाएं पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और इनके मार्गदर्शन में पूरा साधु समाज पूरा वैष्णव समाज आपके साथ है इन्हीं शब्दों के साथ है। भारतीय सनातन संस्कृति और परंपरा का सिरमौर और शीर्ष नेतृत्व वैष्णव परंपरा। भारतीय परंपरा में भारतीय संतों की पूज्य तपस्वियों की इसीलिए सम्मान है क्योंकि वहां त्याग तपस्या समर्पण यह हमारे मूल आधार है। उस मूल आधार को आज भी कहीं देखा जा सकता है तो वो वैष्णव परंपरा। वैष्णव परंपरा से ही आप बहुत सारी चीज़ें दूसरे समाज में दूसरी परंपराओं में गई हैं तो मूलतः उस परंपरा के निर्वहन करने वाले उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आप सभी महापुरुष के सन्मुख आज अपने को पा करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आप सबका आशीर्वाद आप सबका प्यार क्योंकि बचपन में जैसे मैंने कहा कि अध्ययन के काल में भी मैं एक वैष्णव आश्रम में उस परंपरा में रह करके मैंने अध्ययन किया परंपरा को नज़दीक से देखा जाना और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और वैष्णव आश्रम से जो मुझे बाबा जी जो है जा करके दूर दूर से अनाज बाकी चीज़ें इकट्ठा करके लाते थे उस अन्न जल का सेवन भी हमने किया तो इस शरीर के इस खून में इस देह के निर्माण में कहीं ना कहीं वह ऋण भी इस देह के अंदर है तो मैं हमेशा महसूस करता हूँ। अभी व्यस्तता या और कार्यों की अधिकता एक सत्य है परंतु उस सत्यता में भावनाएं परिवर्तित होती नहीं तो भाव से तो सब हमारे हृदय में है और आज यहाँ पर हमारे बीच में मंगल पीठाधीश्वर और हमारे वैष्णव अखाड़ों के जो सिरमौर हैं और आप सब में मुझे लगता है कि आयु की दृष्टि से भी आप अभी आयु वृद्ध भी हैं ज्ञान वृद्ध हैं मार्गदर्शक हैं सबको लेकर के चलने वाले हैं ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज और इस जंगल में मंगल करने वाले और विविध यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हमारी संस्कृति को परंपरा को लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों को जोड़ने का प्रयास करने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य जगतगुरु रामानंद आचार्य स्वामी अयोध्याचार्य जी महाराज जो हमारे मध्य में हैं और अखाड़ा परिषद के माध्यम से वैष्णव अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस परंपरा को सभी समुदाय से जोड़ने का प्रयास करने वाले सबको जोड़ने का एक हनुमान जी की भूमिका के साथ साथ में सबको आगे बढ़ाने की भूमिका निभाने वाले हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत राजेंद्र दास जी
और यहाँ पर निर्मही यानी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत रामजी दास जी और पूज्य रामजी दास जी महाराज, सभी श्री महंतों को, महंतों को, सभी महामंडलेश्वरों को, आप सभी पूज्य संतों को, पूज्य संत के चरणों को मेरा नमन और मेरा साष्टांग दंडवत। मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे उस समय पर भी हमको यह पता नहीं था कि भगवान हमको कहाँ पहुँचाएंगे। मैं इतना निवेदन कर सकता हूँ कि समाज के हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन मर्यादाओं का, उन परंपराओं का, उन आदर्शों का हम जीवन में अनुसरण कर करके उसको समाज में देने के लिए जो भी हमसे होगा हम हमेशा करते रहेंगे। इसके लिए मुझे आप सबका मार्गदर्शन, आदेश या एक जो भी आप हमारे लिए निर्देश कर देंगे वो हम हमारे लिए शिरोधारी हैं। जहाँ तक रही कि मैं देखिए जहाँ भी रहता हूँ, मैंने जैसे कल भी मुझे संतों से मैंने निवेदन किया था कि मैं परंपरा को विज्ञान के साथ जोड़ करके उस वैज्ञानिक विधा को दुनिया में पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। हमेशा हमने इसके लिए निवेदन भी किया, प्रार्थनाएं भी की कि हमारी परंपराएं सब कुछ वैज्ञानिक परंपरा, चाहे आप कुछ भी लगाते हैं, हम चाहे चंदन लगाते हैं, चाहे हम माला धारण करते हैं, चाहे हम कंठी धारण करते हैं, हम कुछ भी करते हैं वह सब विज्ञान सम्मत है। क्योंकि आने वाला समय वो ऐसा भयावह समय है कि दुनिया हर काम को करने से पहले प्रश्न पहले करेगी, प्रश्न का उत्तर मिल जाए, आचरण करेगी कि नहीं करेगी ये तो बात का विषय है। तो लोग स्वार्थ पारायण हो गए, लोगों के पास समय नहीं। जब उनको दिखाई देगा कि यह उनके जीवन के लिए अभिन्न है, अपरिहार्य है, वो जीवन का अंग है, तो लोग उसको आत्मसात करेंगे। तो जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं को धर्म की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसको हमको मजबूती से पकड़ करके रखना है, ये एक पक्ष है। दूसरा, उस मजबूती को दुनिया में पहुंचाने के लिए उसको क्यों तुमको अपनाना है, क्यों तुमको आचरण करना है, क्यों देवस्थानों में जाना है, क्यों तुमको उपासना करनी है, क्यों भक्ति करनी है, हमारे अवतारी महापुरुषों के प्रति तुमको क्यों निष्ठा रखनी है, इन सबको हमें वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से तथ्य और आधारों के साथ में। एक आधार होता है महाराज जी, शास्त्र आधार। हम जो जीते हैं, जो संत जीता है, जो एक साधु जीता है, वो शास्त्र आधार से जीता है। दुनिया शास्त्रों को स्थापित करने का भी आधार ढूंढता है, बस फर्क ये है हमारे लिए शास्त्रों में लिखा है वो अंतिम सत्य है, दुनिया के लिए वो अंतिम सत्य नहीं है। वो कहता है कि जो शास्त्रों में लिखा है ये सही है, पहले इसको सिद्ध करो। तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, उस समय के हिसाब से हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। और जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्योंकि कोई संस्कृत संस्कृति की परंपरा के लोग नहीं होते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां पा करके पूरी दुनिया में अलग अलग बड़े बड़े रिसर्च संस्थानों में काम कर करके बड़े बड़े वेतन पाने वाले लोग होते हैं, उनको उस रूप में ढालना भी एक बहुत बड़ी तपस्या ही होती है कि भाई हमें इन विषयों पर रिसर्च करना है, इस डायरेक्शन आचार्य जी क्या होगा, उसमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्रश्न होता है। यानी कि हमको काम करने के लिए भी वहाँ से प्रश्न होता है, परंतु बहुत सारे लोग हमारे वैज्ञानिक भावनाशील भी हैं, थोड़ी आध्यात्मिकता के प्रति उनकी रुचि भी है, वो थोड़ा महसूस भी करते हैं। तो हम इन चीज़ों पर पूरी जी जान से, पूरी निष्ठा से हम लगे हुए हैं और उस कार्य को मैं और भी जैसे वैष्णव परंपरा के दृष्टि से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्दी आपको 3-4 चीज़ें परंपरा की विज्ञानता को स्थापित करने वाले तत्व को ढूंढ करके आप सबके चरणों में मैं ला करके। दूसरी चीज़, इसके अलावा हमको आपने आदेश किया कि आप कहते हैं कि इधर दायित्व को संभाल लो। देखिए, मेरे लिए आप लोगों के द्वारा विश्वास करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए ये एक तरह से समझिए, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, यानी जो मेरी भावनाएं हैं वैष्णव परंपरा को लेकर के, मुझे लगता है उससे लाखों गुणा आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। मैं उसको आशीर्वाद मानता हूँ
और दूसरी बात, अभी आप इतने आपने जो तपस्या की है, आप लोगों ने जिस जीवन को जिया है, जितना आपने इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना योगदान दिया है, हमने भारतीय संस्कृति परंपरा को एक जनमानस तक पहुंचाने के लिए परम सदैव पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और हमको भगवान ने निमित्त बनाया, उस निमित्त से संस्कृति का एक जो सार्वभौमिक स्वरूप है उस स्वरूप को हमने वैश्विक स्वरूप बनाने का एक कार्य जरूर किया है। तो परंपरा के लिए, अपने अखाड़े, हमारे वैष्णव अखाड़ों की परंपरा के लिए, संप्रदाय के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बंधे होने की वजह से यदि इधर आप पद से भी रखोगे तो मैं शायद ज़्यादा न्याय नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आप लोग जो आदेश करोगे, मारे जो दो चीज़ होती है, एक तो आपने अपने हृदय में मुझे जगह दे रखी है, अपने मन मस्तिष्क में कहीं मेरे लिए आपके जो प्यार और आशीर्वाद है वो मेरे लिए सब पद प्रतिष्ठा आसन गद्दी से बहुत ऊपर है, उसकी तुलना बाकी किसी चीज़ से नहीं हो सकती है महाराज जी। तो इसीलिए जो आदेश होगा जहाँ कहीं भी, एक बार आप लोग जब भी मेरे को कहेंगे मैं आ भी जाऊँगा समय के अनुकूलता के हिसाब से। पतंजलि आपका है, आप कभी भी पधारिए, वैष्णव संप्रदाय को, वैष्णव परंपरा को, वैष्णव विधाओं को यदि जगत में पहुँचाने की दृष्टि से वहाँ कहीं मैं सहयोगी हो सकता हूँ, उपयोगी हो सकता हूँ, कहीं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, रहूँगा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के। बस जो आशीर्वाद आप सब ने हमें प्रदान किया है वो आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ति वही है। और इसके लिए जैसा भी महाराज श्री जैसे जैसे, क्योंकि मेरी एक थोड़ी सी सोच ये है कि जितने भी जैसे हमारे युवा, विशेष करके जैसे युवा साधु वैष्णव परंपरा में से ये हमारे युवा बैठे हैं, यहाँ हैं, तो एक जितने भी हैं जो इनके संगठनात्मक रूप से हमारी हमको प्रॉपर ट्रेनिंग, हमारी मर्यादाएँ, व्यवस्थाएँ, क्योंकि यदि हम इसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो ये एक हमको युवा संगठन, वैष्णव साधु युवा संगठन टाइप कोई संगठन बना करके साधुओं की, जितने भी हमारी, हालांकि वैष्णव परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जो आश्रम में ही बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है अपनी परंपरा में, इतनी ज़्यादा बाकी सन्यासियों में और जगह पर उस रूप में नहीं है, वो वैष्णव में है, फिर भी उस चीज़ के लिए एक बड़े लेवल पर करके उनको और बेहतरीन ढंग से उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को, उनको कार्य करने की क्षमताओं को, उसको विकसित आदि करने की दृष्टि से हमको लगता है, क्योंकि हमें अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है, पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ नवाचार, नई चीज़ें भी हमको जोड़ते ही चलना चाहिए। यदि हमने नहीं जोड़ा तो महाराज जी समय से हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ेंगे तो हमारी सारी चीज़ें पिछड़ जाएंगी, वो ना पिछड़े उसके लिए जैसे हम लोगों का अभी आप लोगों को सब जैसे मैं मान लीजिए और कर सकता हूँ, हम अखाड़ों की परंपरा की दृष्टि से देखें तो जितने भी जो आप लोगों के जो डिजिटल कंटेंट है या थोड़ा सा अखाड़ों की हमारी परंपरा है या जानकारियाँ हैं, इस तरह के पोर्टल बने, वेबसाइट्स बने, बाकी डिजिटली हम लोग डेवलप करें, तो हमारी हमारा वो सब काम है, हम अलग अलग तरह के काम को करते हैं, यानी हमारी परंपरा को दुनिया के आज की दृष्टि से हम एक कदम भी पीछे नहीं हो, हम दो कदम आगे दिखाई दें, इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मैं इतना निवेदन करते हैं और मेरे को बहुत मैंने मना नहीं किया है, परंतु स्वरूप बदला है महाराज जी, जिस रूप में आप चाहते हो वो नहीं, पर जिस रूप में काम हो सकता है उस रूप में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलो जगत गुरु अयोध्यादास जी महाराज की जय, इलाज अत्याचार्य माधवाचार्य जी महाराज की जय, आचार्य श्री बालकृष्ण जी की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जय, श्री राम श्री राम जय श्री राम। पतंजलि योगपीठ के आचार्य श्री बालकृष्ण जी को दंडवत प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी, आपसे जो लगाव है बहुत समय से है, लेकिन कभी आपसे संपर्क नहीं रहा, लेकिन लगाव बहुत समय से है, और आपने जैसे कि अभी महानुभावों के बीच में हमारी वैष्णव परंपरा को वैज्ञानिक परंपरा से जोड़कर उसको प्रमाणित तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की बात करी,
और वो सच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के इस युग में। जब भी हम अपनी परंपराओं की बात करते हैं तो हमारे मन में यही एक विषय आता है कि ये जो परंपरा है, जो संत परंपरा है, जो ऋषि परंपरा है, इस परंपरा को हम आगे कैसे बढ़ाएं, आगे कैसे ले जाएं। महाराज जी जैसे आपने कहा युवा संतों को आगे जोड़ा जाए, हम तो युवा बच्चों को आगे जोड़ने की तरफ अग्रसर है। महाराज जी हमारे विद्यालय में 900 बच्चे पढ़ते हैं और महाराज जी की कृपा से हम शुरुआत ही जो है श्री राम स्तुति से करते हैं और बच्चों को एक ही चीज सिखाते हैं, जो श्री राम है उनके जीवन का आचरण कीजिए, उनके जीवन को सुनिए, पढ़िए और उनके जीवन पर चलने की कोशिश कीजिए और आपका जीवन धन्य हो जाए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माता। सर्वप्रथम बच्चों को ये श्लोकों से ज्ञान दिया जाता है कि जब भी आप सुबह उठते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन को आगे चलिए। आप सभी संतों का आशीर्वाद, कृपा, दया ऐसे बनी रहे और हम आगे और भी बच्चों को, और भी युवा संतों को अपने साथ जोड़े और हमारे वैष्णव संप्रदाय को, हमारी वैष्णव परंपराओं को हम आगे ले जाए। आपका ऐसा आशीर्वाद, कृपा, दया बनी रहे। यही जय श्री राम।